तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। तो बारिश के कारण से ही पट दोस्तों यहाँ पर ना हमारे सेक्शन को यहाँ पर कुछ नई गाड़ियाँ जो है दी जा रही है। जहाँ मैं बात कर रहा हूँ उन सभी गाड़ियों के बारे में, उदयपुर अहमदाबाद को नई गाड़ी मिल रही है एक दिन के लिए। चलिए फटाफट जान लेते हैं सब कुछ इंदौर अपने ही आसान भाषा में। तो बताते चलो कि लगातार भारी बारिश के कारण रतलाम मंडल के रतलाम और गोधरा खंड में यहाँ पर दोस्तों अमरगढ़ और पंचपिपलिया स्टेशनों के मध्य किलोमीटर जो कि यहाँ पर इसे जो रूट है दोस्तों वहाँ पर पैरामीटर में लगातार बदलाव के कारण अब ट्रैक को सस्पेंड करवा लिया गया है, जिसके कारण अहमदाबाद मंडल की काफ़ी सारी ट्रेनें प्रभावित हो रही है। 100 टर्मिनेट जो ट्रेनें करवाई गई, जिसमें से 16 सितंबर 2023 को ही दिन दोस्तों यहाँ पर बीकानेर से गाड़ी नंबर जो चली थी 04711 बीकानेर बांद्रा टर्मिनल, इसको यहाँ पर 100 टर्मिनेट किया गया था। उसके अलावा 16 सितंबर को दोस्तों 2023 को ही इंदौर से चलकर जो गाड़ी गई थी 19310 इंदौर गांधीधाम, इसको दोस्तों रतलाम चित्तौड़गढ़ अजमेर पालनपुर अहमदाबाद स्टेशन पर 100 टर्मिनेट किया गया था। और आज के ही दिन जो ड्राइवर ट्रेनें थी जो कि दोस्तों 17 सितंबर को दिन 19310 गांधीधाम इंदौर शांति एक्सप्रेस को गांधी नगर के स्थान पर अहमदाबाद से प्रस्थान करवाया गया। और यह ट्रेन दोस्तों परिवर्तित मार्ग होकर असरवा हिम्मत नगर उदयपुर या बेड़चा रतलाम के रास्ते चलवा दी गई। उसके अलावा जो 17 सितंबर के दिन 2023 वेरावल से चलने वाली वेरावल जबलपुर गाड़ी नंबर 11463, इसको अपने परिवर्तित मार्ग नाडियाड वडोदरा सूरत जलगांव भुसावल खंडवाई टारसी के रास्ते चलवाया गया। वहीं 17 सितंबर के दिन अहमदाबाद से चलने वाली 19421 अहमदाबाद पटना एक्सप्रेस को अपने परिवर्तित मार्ग अहमदाबाद असरवा चित्तौड़गढ़ रतलाम के रास्ते संचालित किया गया। वह इसके अलावा गाड़ी नंबर 17 सितंबर 2023 को गाड़ी नंबर 19165 अहमदाबाद दरभंगा एक्सप्रेस का परिवर्तित मार्ग किया गया, इसको भी अहमदाबाद असरवा चित्तौड़ रतलाम के रास्ते चलवाया गया। तो जिस हिसाब से ट्रेनों का यहाँ पर दिया जा रहा है, बारिश की वजह से ही सही बट इस रूट को फायदे तो मिल रहे हैं दोस्तों। तो फिलहाल आने वाले समय में चूँकि 18, 19, 20 और अगर इसी तरह से बारिश होती रही और स्थिति इसी तरह से बनी हुई रहती है तो इस रूट पर वो और भी ट्रेनें जो है शॉर्ट टर्मिनेट और डाइवर्ट जो है की जाएगी। तो आप लोगों के लिए बेहतर है भी पटना और दोस्तों दिल्ली और काफ़ी जगहों पर दोस्तों आप लोगों के लिए रूट जो है ओपन करवाया जा सकता है, क्योंकि समय की मांग यही है कि इस रूट को जो है जल्द से जल्द डबल लाइन करके इसको यूजेस में लाया जाना चाहिए। जिस प्रकार अभी से इसको डाइवर्ट करवाने के बाद में इसको जो है इस रूट से लेकर जो है जाया जा रहा है, क्योंकि बारिश का क्या ज़्यादा है और उससे भी कोई रिस्क ना हो, इसलिए इस रूट का उपयोग जो है यहाँ पर भारतीय रेलवे के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसको लेकर ऑफिशियल लेटर निकाला जा चुका है। और आने वाले 16, 15, 14 और इसी क्रम से लगातार गाड़ियाँ यहाँ से निकाली जा रही है, क्योंकि इस रास्ते से होकर अहमदाबाद हिम्मतनगर उदयपुर डूंगरपुर वाले सेक्शन पर लगातार गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ है। उम्मीद करूँगा कि आने वाले समय में यहाँ पर परमानेंट कुछ गाड़ियों को दिया जाएगा। फिलहाल वीडियो के लिए धन्यवाद। आप लोग ऑफिशियल लेटर देखिए कि गाड़ी जो है लगातार इसी प्रकार जो है आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद।